डियर स्टूडेंट आरजे एजू हब बानसूर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 11th क्लास के अंदर अपना जो चैप्टर चल रहा था बेसिक फंडामेंटल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कार्बनिक यौगिकों के जो मूलभूत सिद्धांत थे उसमें आपने बात चल रही थी सिग्मा एवं पाई आबंधों के अभिलक्षण। तो सिग्मा और पाई आबंधों के अभिलक्षण में मैं बात कर चुका था कि सहसंयोजक बंध की जो अवधारणा है उस सहसंयोजक बंध की अवधारणा के अनुसार जो सहसंयोजक बंध होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक सिग्मा और दूसरा क्या होता है पाई। तो डियर स्टूडेंट सहसंयोजक बंध जो होते हैं उसकी जो आधुनिक अवधारणा के अनुसार सहसंयोजक बंध कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, कौन कौन से, सिग्मा और पाई आबंध। अब सहसंयोजक बंधों में जो अतिव्यापन है परमाणु कक्षकों के मध्य अतिव्यापन जो होते हैं वो निम्न प्रकार से होते हैं। वो किस प्रकार की जो ओवरलैपिंग होती है, थ्री टाइप्स की ओवरलैपिंग देखने को मिलेगी यहाँ से। कौन कौन से ओवरलैपिंग की बात करेंगे, एस एस अतिव्यापन, एस पी अतिव्यापन और पी पी अतिव्यापन। पहला जो ओवरलैपिंग होगा वो किस प्रकार का होगा, एस एस अतिव्यापन, पी पी अतिव्यापन और एस पी अतिव्यापन। तो डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ से सहसंयोजक बंध की आधुनिक धारणा के अनुसार सहसंयोजक बंध की आधुनिक धारणा के अनुसार सहसंयोजक बंध दो प्रकार के होते हैं, सहसंयोजक बंध की आधुनिक धारणा के अनुसार सहसंयोजक बंध कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, कौन कौन से, सिग्मा वे दूसरा कौन सा हो जाएगा पाई। पाई बॉन्ड भी बोल सकता। तो सहसंयोजक बंध की आधुनिक धारणा के अनुसार जो सहसंयोजक बंध होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, सिग्मा बंध और पाई बंध। अब यानी कि सहसंयोजक बंधों में जो सिग्मा बंध और पाई बंध के जो निर्माण करने के लिए जो परमाणविक कक्षकों के मध्य जो ओवरलैपिंग होती है वो कितने प्रकार की संभव होती है, थ्री टाइप्स की ओवरलैपिंग देखने को मिलती है। यानी सहसंयोजक बंधों के मध्य सहसंयोजक बंधों में परमाणविक कक्षकों के मध्य अतिव्यापन निम्न प्रकार से होते हैं। यानी कि सहसंयोजक जो बंध है उन सहसंयोजक बंधों में परमाणविक कक्षकों के मध्य जो अतिव्यापन है वो निम्न प्रकार से होते हैं। कौन कौन से अतिव्यापन होते हैं, पहला होता है एस एस अतिव्यापन, पहला कौन सा पढ़ेंगे एस एस अतिव्यापन। नंबर टू पे बात करेंगे एस पी अतिव्यापन और नंबर थर्ड पे बात करेंगे पी पी अतिव्यापन। सहसंयोजक बंधों में परमाणविक कक्षकों के मध्य जो अतिव्यापन है वो निम्न प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एस एस अतिव्यापन, एस पी अतिव्यापन और पी पी अतिव्यापन। जो एस एस अतिव्यापन है दो अर्धपूरित एस कक्षकों के मध्य, ये किसके, यानी कि आपके पास दो अर्धपूरित एस कक्षकों के मध्य अतिव्यापन, यानी कि दो अर्धपूरित एस कक्षकों के मध्य अतिव्यापन होता है तो कैसा अतिव्यापन होगा, एस एस, अब एस पी में क्या हो जाएगा, एक अर्धपूरित एस कक्षक और दूसरा अर्धपूरित पी कक्षक, यानी कि एक अर्धपूरित एस कक्षक व एक अर्धपूरित पी कक्षकों के मध्य
अति व्यापक, यानी कि एक अल्पपूरित एस कक्षक लेंगे और एक अल्पपूरित पी कक्षक के मध्य अति व्यापन, तो फिर अति व्यापन कैसा कहलाएगा? एस पी अति व्यापन। और पी पी अति व्यापन में क्या होगा? दो अर्धपूरित पी कक्षकों के मध्य अति व्यापन, यानी कि दो अर्धपूरित पी कक्षकों के मध्य जो अति व्यापन है वो कौन सा अति व्यापन कहलाएगा? पीपी अति व्यापन। तो यहां पे डियर स्टूडेंट क्लियर है कि सहसंयोजक जो बंध हैं उनमें परमाणवीय जो कक्षक हैं उन परमाणवीय कक्षकों के मध्य जो अति व्यापन है वो कितने प्रकार के संपर्क होते हैं? तीन प्रकार के। कौन कौन से? एस एस अति व्यापन, नंबर टू पे एस पी अति व्यापन और नंबर थ्री पे पीपी अति व्यापन। एस एस में दो अर्धपूरित एस कक्षकों के मध्य और एस पी एक अर्धपूरित एस और दूसरा अर्धपूरित पी कक्षक, दोनों ही अर्धपूरित पी कक्षकों के मध्य अति व्यापन है, तो फिर कैसे कहलाएगा? पीपी अति व्यापन। तो यहां से देखिएगा, पहली बात कर लेता हूं मैं, एस एस अति व्यापन फर्स्ट, एस एस अति व्यापन ओवरलैपिंग कह सकता हूं, एस एस अति व्यापन। तो आपने डियर स्टूडेंट जो एस कक्षक होता है समझने के लिए यहां पे देखना, एस कक्षक की जो आकृति है, एस कक्षक की आकृति यानी इस प्रकार की होती है गोलाकार। एस जो कक्षक होता है वो कैसा होता है? गोलाकार। और जो पी कक्षक होता है, पी कक्षक की जो आकृति वो होती है डंबलाकार। पी कक्षक की जो आकृति वो कैसी होती है? डंबलाकार। डंबल का मतलब डंबल शेप में, इस प्रकार की जो आकृति होती है वो क्या होता है? पी ऑर्बिटल। तो डियर स्टूडेंट अपन को ध्यान यहां से रखना है कि जो एस कक्षक है उसकी आकृति कैसी होती है? गोलाकार। जो पी कक्षक है उसकी आकृति कैसी होती है? डंबलाकार। तो यहां से क्या देख करना है अपन को? एस एस अति व्यापन, तो डेफिनेशन हो जाएगी दो अर्धपूरित एस कक्षकों के मध्य अति व्यापन क्या कहलाता है? एस एस अति व्यापन कहलाता है। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, हाइड्रोजन का 1s1 यानी हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1 होता है। तो हाइड्रोजन परमाणु के 1s1 कक्षक के जो दो अर्धपूरित कक्षक हैं वो आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं? एक आणविक कक्षक का निर्माण कर लेते हैं। और दोनों परमाणविक कक्षकों के मध्य यानी एस एस अति व्यापन से जो बॉन्ड बनता है वो कहलाता है आपका सिग्मा आणविक बंध कहलाता है। किस प्रकार बनता है देखिए, यानी एस एस अति व्यापन में क्या होगा? एक तो क्या होगा आपका एस और दूसरा ये वाला एस, एस कक्षक, ये भी क्या है आपका एस कक्षक, यानी कि दो अर्धपूरित एस कक्षकों के मध्य क्या हो जाए? अति व्यापन, ओवरलैपिंग हो जाए। दोनों ओवरलैप करेंगे तो ये यहां से इस प्रकार से, यानी कि ये जो ओवरलैपिंग के दौरान यहां से ये जो बॉन्ड बना है इसको बोलते हैं सिग्मा बंध। कैसा बॉन्ड कहलाता है? ये सिग्मा, यानी दो अर्धपूरित एस कक्षकों के मध्य जो अतिव्यापन होता है उस अतिव्यापन से बनने वाला जो बॉन्ड है वो क्या कहलाएगा आपका? सिग्मा बंध। इसका मतलब क्या हुआ? यहां से इस प्रकार से इसको मैं डिनोट कर सकता, सिग्मा आणविक कक्षक, इसको मैं बोल सकता हूं सिग्मा आणविक कक्षक। इसका निर्माण हो जाएगा सिग्मा आणविक कक्षक यानी कि सिग्मा बंध का निर्माण हो जाएगा। तो ये दो अर्धपूरित एस कक्षकों के मध्य जो अतिव्यापन होता है, ओवरलैपिंग होती है, इस ओवरलैपिंग के दौरान जो बॉन्ड बनता है वो कहलाता है आपका सिग्मा बंध। और ये जो कक्षक है वो कैसे कहलाएगा? सिग्मा आणविक कक्षक। जैसे हाइड्रोजन का 1s1, जैसे हाइड्रोजन का 1s1 कक्षक। तो क्लियर है यहां से? ऐसे ही मैं बात कर लेता हूं यहां पे सेकंड में, एसपी अति व्यापन, एसपी अति व्यापन। तो डियर स्टूडेंट यहां से एसपी अति व्यापन क्या होता है कि एक तो क्या होगा अर्धपूरित एस कक्षक और दूसरा अर्धपूरित पी कक्षक। एक अर्धपूरित एस कक्षक एवं एक अर्धपूरित पी कक्षक के मध्य जो अति व्यापन होता है
उस अतिव्यापन को क्या कहा जाता है? एसपी अतिव्यापन कहा जाता है। इस प्रकार के जो अतिव्यापन जो होता है उसके दौरान भी सिग्मा बंध का निर्माण होता है। किस प्रकार होता है देखिए, यानी एक अर्धपुरी तो एस कक्षक, यानी एक तो क्या है ये एस कक्षक, और दूसरा क्या है ले लूं मैं पी कक्षक। पी ऑर्बिटल की शेप कैसे होती है? डंबलक पी कक्षक, एस कक्षक और ये क्या है आपका पी कक्षक। एस कक्षक एवं पी कक्षक के मध्य क्या हो जाए? ओवरलैपिंग हो जाए तो किसका निर्माण हो जाएगा? ए सिग्मा बॉन्ड का निर्माण हो जाए। यानी इस प्रकार ये जो ओवरलैपिंग हुई है ये क्या कहलाता है? सिग्मा बॉन्ड। यानी एस कक्षक और पी कक्षक के मध्य ओवरलैपिंग के दौरान जो एसपी अतिव्यापन कहलाएगा, इस प्रकार जो सिग्मा बंध बनाए वो कौन सा अतिव्यापन कहलाएगा? एसपी अतिव्यापन। जैसे मैं एचएफ के अणु की बात करूं, ये जो एचएफ जो एसपी अतिव्यापन है वो किसमें देखने को मिलता है? जैसे हाइड्रोजन एग्जांपल के रूप तौर पे मैंने लिया एचएफ का अणु, एचएफ के अणु में हाइड्रोजन का तो क्या हो जाएगा 1s1, वे फ्लोरीन का क्या हो जाएगा? फ्लोरीन का 1s2, 2s2, 2px2, py2, pz। फ्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है उनमें होता है 2, 4, 6, 8। यानी कि हाइड्रोजन का 1s1 कक्षक, और ये तो हाइड्रोजन का कौन सा कक्षक हो जाएगा? 1s1। और ये P जो कक्षक है वो कौन सा हो जाएगा? pz1। यानी 1s1 और pz1 कक्षक के मध्य अतिव्यापन जो हुआ है वो कौन सा अतिव्यापन कहलाएगा? sp अतिव्यापन कहलाता है। तो ये है डियर स्टूडेंट आपका sp अतिव्यापन जो hf के अणु में देखने को मिलता है। अब नंबर थर्ड पे बात करता हूं मैं pp अतिव्यापन। पीपी अतिव्यापन इसमें क्या होता है डियर स्टूडेंट? पीपी अतिव्यापन में दो अर्धपूरित जो पी कक्षक हैं उनके मध्य अतिव्यापन जो होता है वो कौन सा अतिव्यापन कहलाता है? पीपी अतिव्यापन कहलाता है। यानी कि जो पीपी अतिव्यापन है दो अर्धपूरित पी कक्षकों के मध्य परस्पर होने वाला जो अतिव्यापन है वो क्या कहलाता है आपका? पीपी अतिव्यापन कहलाता है। अब जो पीपी अतिव्यापन है वो दो प्रकार से संपन्न हो सकता है, एक सम्मुख टक्कर से और एक संपार्श्विक टक्कर, यानी एक एक्सियल कोलिजन से और दूसरा कोलेटरल कोलिजन से। यदि सम्मुख टक्कर से होता है तो सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है, और संपार्श्विक अतिव्यापन से पाई बंध का निर्माण होता है। तो देखिए यहां से, यानी कि पीपी अतिव्यापन दो प्रकार का होगा, पहला सम्मुख टक्कर से और दूसरा संपार्श्विक टक्कर से। यानी कि पीपी अतिव्यापन दो प्रकार से संपन्न होता है, सम्मुख टक्कर से और दूसरा संपार्श्विक टक्कर से। अब यहां पे क्या होता है, डियर स्टूडेंट यहां से जो पीपी अतिव्यापन है, पीपी अतिव्यापन ये जो दो प्रकार से हो रहा है वो कौन सी प्रकार से हो रहा है? एक तो भी सम्मुख टक्कर से, पहली बात कर रहा हूं सम्मुख टक्कर से। सम्मुख टक्कर का मतलब यहां से क्या होता है? दो अर्धपूरित पी कक्षक, यानी एक तो ये रहा और दूसरा ये रहा, दो अर्धपूरित पी कक्षक है। इन दोनों अर्धपूरी सम्मुख का मतलब एक्सियल और संपार्श्विक मतलब इस प्रकार से यदि ओवरलैपिंग होती है तो संपार्श्विक और एक्सियल हेड टू हेड, तो यानी वो कहलाएगा आपका सम्मुख। तो यानी कि ये पी कक्षक और ये भी क्या है आपका? पी कक्षक। यानी ये आपस में क्या कर ले? ओवरलैपिंग करेंगे तो यहां से क्या बनेगा? देखना
इस प्रकार से ओवरलैपिंग होने लग जाएगी। तो ये जो बॉन्ड बना है वो कहलाता है आपका, ये जो अतिव्यापन हुआ कौन सा अतिव्यापन कहलाएगा, ये पीपी अतिव्यापन, सम्मुख पीपी अतिव्यापन। और इससे किसका निर्माण हो रहा है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है। तो यानी इसको मैं ऐसे दिखा सकता हूं, इस प्रकार का जो अतिव्यापन है उस अतिव्यापन में ये क्या कहलाते हैं, नोडीय तल कहलाते हैं। डियर स्टूडेंट क्लियर है, यानी एक्सिस टू एक्सिस इस प्रकार से ओवरलैपिंग होती है तो पीपी अतिव्यापन कहलाता है। किसका निर्माण होता है, सिग्मा बॉन्ड का। और इसी प्रकार से समपार्श्विक अतिव्यापन में क्या होता है, समपार्श्विक अतिव्यापन यानी कोलैटरल ओवरलैपिंग बोलते हैं इसे। कोलैटरल ओवरलैपिंग में क्या होता है कि दोनों पी कक्षक, मैंने बताया था इस पर, यदि एक्सिस टू एक्सिस हो रहा है तो सम्मुख, इस प्रकार से कोलेट्रल ओवरलैपिंग हो रहा है तो फिर कहलाएगा आपका समपार्श्विक अतिव्यापन। तो देखिए ये आपका पी कक्षक, दूसरा पी कक्षक मैंने यहां से ये लिया पी ऑर्बिटल, और ये भी क्या है आपका पी कक्षक, ये आपस में ओवरलैपिंग करेंगे। किस प्रकार से ओवरलैपिंग कर रहे हैं, यहां से यहां से ये जो बॉन्ड बन रहा है, ये जो इस प्रकार की जो ओवरलैपिंग के थ्रू ये जो बॉन्ड बना है, ये पाई बंध का निर्माण होता है। तो ये अतिव्यापन है वो कैसे कहलाता है, समपार्श्विक पीपी अतिव्यापन कहलाता है। कैसा अतिव्यापन कहलाएगा डियर स्टूडेंट, ये समपार्श्विक पीपी अतिव्यापन। तो क्लियर है डियर स्टूडेंट, सिंपल सी बात थी। तो मैंने यहां पे बात की थी सिग्मा एवं पाई आबंधों के अभिलक्षण, यानी कि सहसंयोजक बंध की आधुनिक जो धारणा है उसके अनुसार सिग्मा सहसंयोजक बंध जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक सिग्मा बंध और दूसरा क्या होता है, पाई बंध। अब सहसंयोजक बंधों में परमाणविक कक्षकों के मध्य जो अतिव्यापन है वो निम्न प्रकार से संपन्न होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एस एस अतिव्यापन, यानी दो अर्धपूरित एस कक्षों के मध्य होता है तो एस एस अतिव्यापन। sp अतिव्यापन में क्या होता है, एक अर्धपूरित s कक्षक और दूसरा क्या होता है, अर्धपूरित p कक्षक। तीसरा होता है pp अतिव्यापन, दोनों अर्धपूरित p कक्षकों के मध्य अतिव्यापन होता है तो क्या कहलाएगा, pp अतिव्यापन। ये ध्यान रखना, यदि pp अतिव्यापन में यहां पे देखने को मिला है आपको दो प्रकार का पड़ा है, एक सम्मुख टक्कर से और दूसरा समपार्श्विक। यदि हेड टू हेड एक्सिस टू एक्सिस हो रही है तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, और कोलैटरल ओवरलैपिंग हो रही है समपार्श्विक अतिव्यापन होता है तो किसका निर्माण होता है, पाई आबंधों का निर्माण होता है। तो डियर स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही काफी है, थैंक्स।